फ्रेंड्स, मेरे चैनल अनीता नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सिल्की इस रेमेडी को फॉलो करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको मिल्क लेना है, अपने डाइट में मिल्क ऐड करना है और स्प्राउट ऐड करना है और कुछ फल फ्रूट आपको ऐड करने, जिससे आपकी बॉडी की कोई भी कमी होगी वो पूरी हो जाएगी और आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग होगी। तो किसी भी रेमेडी का एप्लीकेशन करेंगे उसके दुगने और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, इससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। और इस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो इसके रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। स्मूथ हेयर किसको पसंद नहीं है, सभी को अच्छे लगते हैं। अगर आपके रीग्रोथ नहीं हो रही है, आपके हेयर स्टॉप हो गए हैं और ग्रोथ बिल्कुल भी उसके नहीं बढ़ रहे हैं और आप बहुत सी रेमेडी ट्राई कर चुके हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए 7 डेज चैलेंज लेके आई हूँ। 7 दिनों तक मैं आप लोगों के साथ अलग अलग आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करूँगी जो आपके बालों को हेल्दी, स्ट्रांग, शाइनी, सिल्की, स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा और आपके कितने भी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे होंगे उनको भी कंट्रोल करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम 7 डेज चैलेंज का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे को हमको अपने लिए अच्छा सा एक शैम्पू रेडी करना है जो हमारे स्कैल्प को क्लीन करेगा, हमारे स्कैल्प में कोई फंगल होगा उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा और हमारी स्कैल्प को हेल्दी स्कैल्प बनाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से सीकाकाई पाउडर ले लेना है 1 टेबल स्पून। फ्रेंड्स, तो 1 टेबल स्पून सीकाकाई पाउडर ले लेना है। सेकंड ले लेना है हमें 1 टेबल स्पून हमको रीठा पाउडर ले लेना है। फ्रेंड्स, ये हमारे नेचुरल हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है, हमारे हेयर को क्लीन करता है और हमारे हेयर को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। और थर्ड ले लेना है हमें, और थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमें लेना है नीम का पाउडर। सभी को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर हमारे स्कैल्प पे फंगल होंगे, इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको भी ये बहुत अच्छे से ठीक करने में हेल्प करता है और हमारे हेयर को रीग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ले लेना है हमें इसमें जो भी आप अपने शैम्पू अपने हेयर पर अप्लाई करते होंगे वो आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले लेंगे। मैंने इसमें पैंटीन का शैम्पू ले लिया है 1 टेबल स्पून। आप जो यूज करते होंगे वो ले लीजिएगा। उसके बाद हमें इसमें वाटर ले लेना है, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग और थिक और हेल्दी बने रहें तो मेरे साथ 7 डेज चैलेंज ज़रूर करिएगा, मेरे साथ साथ करिएगा। और मैं आज डे 1 था तो मैंने आज शैम्पू आप लोगों के साथ शेयर किया है। डे 2 के लिए भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद जब आप शैम्पू की जगह पर आप इसी को अपने हेयर पर अप्लाई करिएगा और इससे आपके हेयर बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे और आपको भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। फ्रेंड्स, और डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं डे 2 में। और अगर आज की ये वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।